अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के साथ शेख बिलाल तोफैल एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं, एमए इंग्लिश की सीरीज हमने शुरू की हुई है। पार्ट वन में भी हम कभी कर रहे हैं लेक्चर, कभी पार्ट टू में कर रहे हैं। पार्ट टू की सीरीज़ का जो पेपर नंबर टू है हमारे पास मॉडर्न ड्रामा का, उसका हमारे पास आज जो प्ले नंबर थ्री है दसी, आज हम उस पर लेक्चर करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लेक्चर नंबर वन में ड्रामा के हमने सबसे पहले द चेरी ऑर्चर्ड किया, फिर उसके बाद हेडा गैबलर को, अभी रिसेंटली दो लेक्चर उसके बनाए हैं, और अब जो हम करने जा रहे हैं दसी। द सी को एडवर्ड बाउंड ने लिखा है, एक ब्रिटिश राइटर है। अभी रिसेंटली जो है इसकी कह लें कि आफ्टर 2000 के बाद इसकी डेथ हुई है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ही वॉज़ अ प्ले राइट, ही वॉज़ अ थिएटर डायरेक्टर, ठीक है, ही वॉज़ अ पोइट, ठीक। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसने जो है वो कौन कौन सा प्ले लिखा है। सबसे पहले तो ही वॉज़ बॉर्न इन 1934 और इसकी जो डेथ का ईयर है वो मेरे ख्याल 2022 के सेंटर में है। और इसने जो प्ले लिखे हैं स्टूडेंट्स, सेव्ड है एक 1965 में, फिर लेयर है 1971 में, और जो हमारा प्ले है हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के, जीसी यूनिवर्सिटी के और सरगोधा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये प्ले शामिल है, दसी, जिसको जो है वो शामिल किया गया है, 1973 में लिखा गया है, और द फूल 1975। ये इसके प्ले हैं, शायद एक आधा और प्ले हो। दसी जो है हैज़ मच सिग्निफिकेंस, इसके टाइटल सिग्निफिकेंस, और इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। इसके सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम की फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट इट वॉज़ परफॉर्म्ड इन 1973 एंड 22nd of May। फिर इसके बाद इसकी सेटिंग जो है ईस्ट कोस्ट है 1907 में। इसके थीम्स पे हम लास्ट पे बात करेंगे स्टूडेंट्स, चूँकि थीम्स हमेशा हम एंड पे बात करते हैं। अब इसका जो टाइटल सिग्निफिकेंस है उस पे बात करेंगे और फिर करेक्टर पे चलेंगे, और करेक्टर के साथ ही हम अपनी समरी जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। समरी का वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समरी एनालिसिस जो हमने करनी है लास्ट पे। स्टूडेंट, सबसे पहले टाइटल सिग्निफिकेंस जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो सिंबल है टाइटल का, ये सिंबल है, देखें, सी जो होता है वो बेसिकली डिस्ट्रक्शन की, डेथ की अलामत है, क्योंकि वो फ्लो में चल रहा होता है वाटर, और एट द सेम टाइम इट गिव्स अस डेथ और इट गिव्स अस यू नो रीबर्थ, बर्थ भी देता है, कभी ज़िंदगी बचा देता है, कभी हमें मार देता है। डेंजर की अलामत है, डिस्ट्रक्शन की अलामत है। तो सी जो है, जो एडवर्ड बाउंड है, इसने बहुत सोच समझ के इसका जो टाइटल था वो रखा। और इसकी कुछ कोटेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और ये सी के बारे में ही हैं, इसके साथ ही हमने करनी है। लाइफ इटसेल्फ इज़ लाइक अ सी, हमारी जो अपनी ज़िंदगी है स्टूडेंट्स वो भी एक समुंदर की तरह है, जिसमें देखें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बड़ा फ्लो चलता रहता है, और पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सी। सी को देख के लोग बहुत ज़्यादा फियर भी फील करते हैं, बड़ा इन्फ्लुएंस भी फील करते हैं, बड़े इम्प्रेस भी होते हैं। द बिहेवियर ऑफ सी इज़ अनप्रेडिक्टेबल, आप सी में जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, ओशन में जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता होता कि कभी भी कोई विंड आ जाती है, कहीं स्टॉर्म आ जाता है, कभी भी अपना बिहेवियर चेंज कर ले, अचानक आपकी जो है वो जान ले ले, इज सो डेट्स वाई इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। स्टूडेंट्स, अब हम करेक्टर्स की बात करते हैं। इसमें जो करेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सबसे पहले रोज़ है, जो रोज़ है हमारे इस प्ले की हीरोइन है। इसमें चंद से करेक्टर हैं स्टूडेंट्स, रोज़ हीरोइन है, जो हमारा सेकंड करेक्टर है। बेसिकली मैं यहाँ ये इसकी बात करता हूँ कॉलिन की, जो प्रोटैगनिस्ट था जिसकी डेथ हो गई, तो उसकी जगह पे जो विली परफॉर्म कर रहा होता है। रोज़ जो है वो इसके साथ, इसकी इंगेजमेंट हुई थी कॉलिन के साथ। देखिए, जो वर्ड कॉलिन है, रोज़ और कॉलिन, दोनों की अपनी सिग्निफिकेंस भी है। रोज़ देखें खूबसूरती का नाम है, एक फ्लावर का नाम है, इसलिए शी इज़ आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और कॉलन जो है वो डिस्ट्रक्शन, कॉलन की अलामत है, और इट सिग्निफाइज टू अस यू नो डेथ। तो इसकी डेथ जो है वो एक समुंदर के ज़रिए ही हुई कि वो डूब गया। तो बेसिकली होता क्या स्टूडेंट्स, के जो विली है, मैं स्टूडेंट्स ये आपको खैर समरी में बताता हूँ, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ करेक्टर्स का। विली जो है वो कॉलन का फ्रेंड है। विली लॉस्ट हिज फ्रेंड इन अ बोटिंग एक्सीडेंट एट सी। इसके बाद एवंस है, ही इज़ द लोकल विलेज ड्रंकन,
ये वहाँ पे मौजूद होता है जब वो डूब रहा होता है। मिसेस राफी है, बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ही इज़ द एजिंग ग्रेनेड डैम ऑफ द विलेज। मिसेस राफी है, ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स ही लिखा है, इसको शी कर देता हूँ, ये गलती से लिखा गया। इसके बाद मिसेस टिल हाउस है, शी इज़ द कंपेनियन ऑफ द वेल्दी मिसेस राफी, शी वॉज अ वेल्दी वूमेन। हैच है, हैच का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्ले के अंदर, इस पर आपने फोकस करना है। ही वॉज द पर्सन हु ब्लेम्ड एवरी थिंग ऑन विली कार्सन, ही कंसिडर विली एज द UFO एजेंट, के वो एजेंट है। अब स्टूडेंट्स ये तो सारे हमारे पास करेक्टर की लिस्ट आ गई कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं या ये हमारे मेजर करेक्टर हैं जो इसके अंदर मेजर माइनर जो हमारे प्ले के अंदर यूज़ हुए हैं। अब हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं, समरी एनालिसिस, समरी को एक्सप्लेन करते हैं। प्ले स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है, एक समुंदर है, चूँकि टाइटल ही जो है द सी है, तो समुंदर के स्टार्ट से जब विली और जो कॉलन होते हैं ये एक वॉयज पे निकले होते हैं, तो उसी के दौरान जो कॉलन होता है ये जो है ये डूब रहा होता है जहाँ पे प्ले स्टार्ट होता है। विली को भी जो है वो तैरना नहीं आता, ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, तो कॉलन को भी नहीं आता। अब ये किसी तरीके से लहरों की, जिस तरह मैंने लिखा है द बिहेवियर ऑफ सी इज अनप्रेडिक्टेबल, लहरें जो है इसको उठा के बाहर फेंकती हैं, तो ये बच जाता है। जब ये बच जाता है तो ये देखता है कि वहाँ पे एक करेक्टर एवंस का और एक हैच का तो अवेलेबल होते हैं। एवंस जो होता है वो उस वक्त ड्रंक कर किया होता है, उसने उसको होश नहीं होती, तो ड्रंकन के नशे में वो उसको कहता है और वो कुछ सुनता नहीं है। तो हैच वहाँ पे अवेलेबल होता है, हैच थोड़ा सा दूर होता है, उसका घर करीब होता है, वो उसके पास जाता है, एवंस का घर बिल्कुल करीब होता है, उसको कहता है कि वो मेरे दोस्त को बचाओ। वो कहता है कि जाओ अपना काम करो जाके, तुम तो मुझे लग रहे हो तुम इस प्लैनेट के ही नहीं हो, तुम किसी और जगह से आए हो, तुम UFO से हो, तुम एक एजेंट हो, स्पाई हो, यू आर अ स्पाई, तुम एक जासूस और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने आए हो। थ्रू आउट द प्ले स्टूडेंट्स ये जो है करेक्टर हैच ये इसी बात पे डटा रहता है कि हमारे जो हमारी सिटी है, हमारा मुल्क है, इसके अंदर एजेंट आ गए हैं और वो दूसरे मुल्क से हैं, दूसरे प्लैनेट से, जो तुम पता नहीं मरीख से आए हो, चांद से आए हो या कहां से आए हो, हमारे यहां के नहीं हो। अब विली जो होता है तो ही रियली यू नो फेड अप फ्रॉम लाइफ, ठीक है, ही वॉज यू नो डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ये बच जाता है तो ज़ाहिर है उसके सामने उसकी दोस्त की जान जाती है। तो यहाँ से निकलते हुए जब ये मिसेस राफी उसको मिलती है तो वो उसको सारी बात बताता है। पहले राफी जो होती है वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती, लेकिन आस्ते आस्ते उसको यकीन आना शुरू हो जाता है कि बहुत फेडअप हुआ होता है, ठीक है। फिर हम बाद में देखें टेल हाउस भी उसको मिलती है, तो जो एवंस होता है, विली जो है इसके पास दोबारा जाता है कुछ अरसे बाद, प्ले में हम देखते हैं सीन टू में, वहाँ जाता है, उसको कहते हैं कि अगर तुम उस दिन ड्रंक ना किए होते तुम हमें बचा सकते थे, तो वो उसको जवाब नहीं देता, तो बल्कि उस पर फिलॉसफी जो होती है लाइफ की उसको डिस्कस करते हैं। प्ले के अंदर स्टूडेंट्स जो लाइफ की फिलॉसफीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कशन हुई है। ऑल दो आई वॉन्ट बी एबल टू डिस्कस इन दिस यू नो लेक्चर हेयर, तो उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस भी है, जो प्ले पढ़ना चाहते हैं पूरा उनको पता चलेगा। तो उसके साथ डिस्कस करता है कि मेरे लिए जो है ज़िंदगी इस तरह की है, वो कहता है मेरे लिए लाइफ जो है जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ अनप्रडिक्टेबल है, ज़िंदगी जो है ये है ये है, इस तरह करके। तो मिसेज राफे के पास वो आता है, मिसेज राफे जो है वो उसके साथ बड़ी जो है वो बड़े प्यार से बात करती है, उसको सारा समझाती है। तो विली जो होता है बड़ा डिस्टर्ब होता है, मिसेज राफे जो होती है वो हैच के पास जाती है। अब जो हैच है वो जो है ना ड्रेस का कपड़े का कारोबार करता है, तो इससे जो है वो कपड़ा लेने जाती है। हैच उसको मिसेस जो राफी है उसको भी कहती है, कहता है कि जो हमारे ये शहर में आया हुआ है ना विली, ये जो है ना ये एक एजेंट है UFO का, ये जो है हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने आया, तो वो गुस्से से उसके कपड़े भी वहाँ पे फेंकती है, तो वो वहाँ से चले जाती है और उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने अपना फाइनेंशियल भी नुकसान कर लिया। तो ये डिफरेंट और दोस्तों को भी लोगों को भी कहता है कि भाई हमारे जो है ना टाउन में ये विली नाम का एक बंदा आया, वो एक एजेंट है, स्पाई है, ये वो, लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। खैर वो तो एक अच्छा इंसान होता है। रोज़ के साथ ये मिलता है विली, चूँकि रोज़ मैंने आपको पहले बताया था कॉलन की जो है वो से होती है। विली जो है रोज़ के साथ बहुत सारी बातें करता है, उसके साथ भी ये डिस्कस करता है कि
जो लाइफ है वो किस तरह गुजारनी चाहिए, उसको मैंने कॉलिन बहुत अच्छा इंसान था उसको मिस कर दिया, ये है वो है। अब जो स्टूडेंट्स प्ले का इख्तिताम है ये सारी बस आपस में बातें करते रहते हैं और इसमें जो लाइफ के बारे में फ़िलासफीज हैं बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्ले का हमारा एंड जो होता है वो इवेंट्स के साथ कॉलिन की जो विली है उसकी बातें करते होता है कि वो उसी के साथ डिस्कस कर रही होती कर रहा होता है। तो इवेंट्स जो है वो अपनी फ़िलासफीज, क्योंकि वो भी बड़ा फेडअप होता है इसलिए वो ड्रंक में ड्रिंकिंग करता रहता है, तो वहीं पे जो है इस प्ले का इख्तिताम हो जाता है। देखें एडवर्ड बॉन्ड ने जो प्ले लिखा था सी, उसकी सिग्निफिकेंस ये भी है स्टूडेंट के जो लोग, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देख के डेंजरस देख के वो फेडअप हो चुके थे। अब व्हेन यू नो एडवर्ड बॉन्ड वाज बॉर्न ही वाज एट दैट टाइम 1934 एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ यू नो हैड स्टार्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945 34 से लेके 39 तक 5 ईयर्स, और जब इख्तिताम हुआ 1945 वो 11-12 साल का हो चुका था एडवर्ड बॉन्ड, और उसकी जो होल नाकियाँ थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो जो मॉडर्न लोग हैं मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न राइटर्स थे उनकी हमें राइटिंग पे बहुत ज़्यादा नज़र आती है छाप। तो इसलिए जो द सी है इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेडअप और पेसिमिज्म नज़र आएगा। यहीं पे इसका इख्तिताम होता है, हम इसके इंपॉर्टेंट थीम्स डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट थीम्स में देखें यहाँ पे एक थीम मैंने नहीं लिखा, वायोलेंस। देखें वायोलेंस किस तरह आ सकता है कि वो कहता है कि इंसान बाय बर्थ इज वायोलेंट, कि इंसान जो है मैन जो है वो वायलेंट है, इसको वायोलेंस पसंद है, जिस तरह इसने कितना डिस्ट्रक्शन की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। तो सोसाइटी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी जो है वो आपके साथ किस तरह पेश आती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे की रिस्पेक्ट। रिलीजन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है, जो रिलीजन से को डिस्ट्रैक्ट करते हैं डिस्पर्स करते हैं या दूर होते हैं यू नो कास्ट अवे होते हैं वो उनकी लाइफ कुछ और किस्म की होती है। चेंज है, चूँकि चेंज आता है मॉडर्न टाइम में। फॉल्स मोरालिटी है कि हमारी जो अखलाकियात हैं वी आर मॉरली करप्ट, हम मॉरली करप्ट हो चुके हैं और हमारा जो इख्तिताम है वो देखें किस तरफ जा रहा है। सो स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू यू नो अबाउट द सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यू नो इंटरेस्टिंग प्ले इन अ सेंस डैट इट इज़ अ फिलोसफिकल यू नो डिस्क्रिप्शन इन द प्ले एज वेल बाय एडवर्ड बॉन्ड। तो अगर स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछें, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।